हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले ये चीज है कि एसिड क्या होता है। एसिड जो है वो वैसा केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि टेस्ट में खट्टा टेस्ट होता है उसका सावर टेस्ट होता है, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, वैसा सब्सटेंस, वैसा केमिकल सब्सटेंस, इसमें केमिकल वर्ड एक तरह से डाल देना चाहिए इसमें, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि टेस्ट में सावर होता है, खट्टा होता है, और ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में चेंज कर देता है, ठीक है, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ये एसिड जो है उसका एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, एटसेट्रा, और भी एसिड्स हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज है कि एसिड का कुछ टाइप्स है, एसिड का कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि एक क्लासिफिकेशन एसिड का किया गया है ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे किया गया है, तो सोर्स के बेसिस पे, यानी कौन से सोर्स से हम ऑब्टेन कर रहे हैं इसके बेसिस पे एसिड का ये दोनों टाइप्स है, एक है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब वैसा एसिड जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, वैसा एसिड्स जो कि किसी ना किसी प्लांट्स वगैरह से, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनसे ऑब्टेन किया जाए, वो ऑर्गेनिक एसिड में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बहुत ऐसे ऐसे एसिड्स हैं जैसे साइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये साइट्रिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, ऑरेंजेस में पाया जाएगा। ठीक है, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होता है उसमें पाया जाएगा, लेमन में पाया जाएगा, ऑरेंजेस में पाया जाएगा, वो होता है इसमें। जैसे कि सब ऑरेंजेस में, लेमन में, ये सब में पाया जाएगा, सिट्रस फ्रूट्स जो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि है, और इसमें आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, फिर इसके अलावा जो है वो टैर्टेरिक एसिड है, टैर्टेरिक एसिड है, फिर इसके अलावा जो है टैर्टेरिक एसिड के अलावा जो है इसमें आ जाएगा एक विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पाया जाता है लेमन वगैरह में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जैसे है ये पाया जाएगा गुआवा में पाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो टैर्टेरिक एसिड है, ये टैमरिन इमली जो होता है उसमें पाया जाता है। फिर एक होता है मैलिक एसिड जो कि पाया जाता है एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये सब, जैसे ये सब तो जनरली प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड हो गया। अब इसके अलावा एक होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है ये एंट बाइट, चींटी जो है उसमें जो होता है उसका वो अगर काटती है किसी जगह पे तो वहां पे वो फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं, तो वहां से ये सब चीज ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक मतलब प्लांट्स या एनिमल्स ये सब के सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड जो है जो कि मिनरल्स वगैरह, जैसे कि अर्थ से जो भी मिनरल्स वगैरह निकलता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि ये सब प्लांट से एनिमल्स वगैरह से ऑब्टेन नहीं किया जाएगा। इसके एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब आ जाएगा मिनरल एसिड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोर्स के बेसिस पे ये दोनों टाइप्स हुआ एसिड का। फिर इसके अलावा जो है अब एसिड का क्लासिफिकेशन वीक और स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे ये दो टाइप्स है। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड आता है वो तो सारा का सारा वीक एसिड है। वीक एसिड ऐसा है जिसको हम लोग चक भी सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यूज भी करते हैं खाने पीने में, हम लोग उसको यूज भी करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये हम लोग कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा होता है। वैसे केस में ये क्या कर देगा, जिस जगह पे भी जाएगा वहां पे उसको जला देता है, उसको बर्न कर देता है, ठीक है, कोरोड कर देता है। तो इसीलिए मिनरल एसिड वाला जो भी ये सब आ जाएगा ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, और ऑर्गेनिक एसिड वाला जो भी ये सब वीक एसिड में आ जाएगा। जैसे ये सब जो भी सब चीजें हैं ये सब हम लोग यूज करते हैं, ये सब हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये सब वीक एसिड में आ जाता है। वीक एसिड में कुछ इसके अलावा भी आ जाता है, जैसे H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड है, उसके अलावा H2SO3,
सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है, ठीक है। और ये H2CO3 ये भी वीक एसिड है। वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड आ जाएगा, उसके अलावा कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड ये है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो भी मिनरल एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। अब उसके बाद एसिड का क्लासिफिकेशन जो होता है वो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड भी है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, ठीक है। वाटर की मात्रा ज्यादा, एसिड की मात्रा कम। और कंसेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, एसिड की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा उसमें कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें ये क्लासिफिकेशन है एसिड का, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन है सोर्स के बेसिस पे, एक क्लासिफिकेशन है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, एक क्लासिफिकेशन जो है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मौजूद है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब जो है फॉर्मूला वगैरह सभी जो है वो सबका याद रखना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ फॉर्मूला है, H2SO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये सब चीज है। उसके अलावा ये सब, तो एसिड क्या होता है ये हम लोग जाने, इसका एग्जांपल्स वगैरह, एसिड का ये सब जो क्लासिफिकेशन है ये सब हम लोग जाने। इसको जो है इतना पोर्शन को जो अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से, जहां पे अगर दिक्कत हो कुछ भी ऐसा लगे उसको पूछिए, और वीडियो को पॉज करके भी चीज को देख सकते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।